आई एम सेविंग योर डाउट सक्षम, तो देखता हूँ क्या है। ओके, दिस इज़ योर डाउट। पहले मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ सो दैट आई कैन हैव इट व्हाइल आई एम टीचिंग यू। सर इसका फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन नहीं प्रूव हुआ है सर। अच्छा अभी देख लेते हैं, सारा देख लेते हैं। So I'm first writing this question here and I want everyone to try it, then we will discuss it. So this doubt from section says that we have, if OT and ON, if OT and ON are perpendiculars dropped from the origin, to the tangent to the curve, to the tangent and normal. To the curve x is equal to a sine cube t, comma y is equal to a cos cube t. पैरामेट्रिक फॉर्म में दी हुई इक्वेशन एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एवरीवन नोट दिस डाउन द क्वेश्चन, ऑप्शन भी लिख लेना है। तीन ही ऑप्शन है, पहला है 4AT² मल्टी करेक्ट भी हो सकता है ये, प्लस ON² इज इक्वल टू A² बी ऑप्शन यस, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट is equal to mod of y by cos t, and third the length of the normal is equal to mod of y by sin t. So
So just try this question. This is Saksham Scout. Then we'll discuss this. इसका कोई भी फिगर बना लो, एग्जैक्ट फिगर बनाने की जरूरत नहीं है अभी। मान लो कि ये फिगर है, एंड दिस इज द टेंजेंट, एंड दिस इज द नॉर्मल, is the point x comma y, and we have given that perpendiculars from tangent, from origin to the tangent and normal to the curve. The origin से अगर हम tangent पे perpendicular डालेंगे और normal पे perpendicular डालेंगे, तो ये हो गया OT, हो गया ओ एल। और ये भी 90 डिग्री है क्योंकि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा, राइट? ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ओ टी पी एन इज एक्चुअली अ रेक्टेंगल। इज दिस क्लियर सक्षम एंड अदर्स? यस सर। ओके, नाउ वी हैव टू सी व्हिच ऑफ दिस ऑप्शंस। तो पहले मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी एंड वाई इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब टी। तो ये पोर्शन मैं अभी रेज करता हूँ क्योंकि इसका मैंने फिगर बना दिया है, तो अभी सेंटेंस की जरूरत है नहीं, लेकिन तुमने लिख लिया होगा आई होप। ओ टी स्क्वायर कर 4 टाइम्स और ओ एन स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं इसमें, तो हमें ए स्क्वायर मिलना चाहिए, ये चेक करना है। ओ टी क्या होगा, पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ओ टी जो होगा वो ओरिजिन है 0,0, टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट विल बी डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी करेंगे अपॉन डी एक्स बाई डी टी करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में है ना। डी वाई बाई डी टी विल बिकम 3 ए कॉस स्क्वायर टी
एंड कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, और नीचे डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो 3a साइन स्क्वायर टी, और साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, तो जो टर्म्स कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देंगे और जो हमें मिलेगा वो मिलेगा माइनस कॉट टी, और स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी माइनस वन बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, माइनस वन बाई माइनस कॉट टी करेंगे तो दैट विल बी टैन टी। अब इससे हम इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन क्या आएगी, सो टेंजेंट की जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है वाई माइनस ए कॉस क्यूब टी इज इक्वल टू स्लोप विच इज माइनस कॉट टी, इंटू एक्स माइनस ए साइन क्यूब टी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस कॉट टी को कॉस टी बाई साइन टी करके फिर अरेंज करके अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी माइनस ए कॉस क्यूब टी इंटू साइन टी, और ये वाला भी लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉस टी इंटू साइन क्यूब टी इज इक्वल टू जीरो। अब अगले स्टेप में इसको लिखेंगे एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी माइनस ए साइन टी कॉस टी कॉमन हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी जो अंदर में बचेगा वो वन होगा, दिस इज इक्वल टू जीरो। और ये हो गई हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन, राइट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब आते हैं हम नॉर्मल की इक्वेशन पे, तो जब नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे तो उस केस में y माइनस a cos क्यूब t इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज tan t, x माइनस a साइन क्यूब t, इसको भी सिंपलीफाई करते हैं। हाँ बोलो सर, वो टेंजेंट इक्वेशन के सेकंड स्टेप में सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया ना, इसको सिंप्लीफाई कर दिया मेंटली, ये कॉट टी को लिख दिया कॉस टी बाई साइन टी, और फिर साइन टी को लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दिया और सबको एक साथ ले गए। यस सर, ठीक है, ओके। अच्छा, इस वाले में भी यही करेंगे, टैन टी को साइन टी बाई कॉस टी करेंगे तो ये हो जाएगा साइन टी इंटू एक्स माइनस कॉस टी इंटू वाई, और हो जाएगा माइनस ए साइन टू द पावर फोर टी, और ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ए कॉस टू द पावर फोर टी इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा कोने में लिख दिया मैंने, लेकिन आई होप तुम लोग कैलकुलेशन वगैरह तो अपने से करके ये ला ही सकते हो, मेंटली भी मैंने कैलकुलेट कर लिया है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये हो जाएगा साइन टी इंटू एक्स माइनस कॉस टी इंटू वाई, और यहां से तुम प्लस ए कॉस की पावर फोर टी माइनस साइन की पावर फोर टी को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, जहाँ की कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी वन हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी को तुम लिख सकते हो कॉस टू टी, राइट, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो ऐसा लिख सकते हो, तो ये वाला हम यूज कर लेंगे, दिस वन, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, कॉस की पावर फोर टी माइनस साइन की पावर फोर टी को कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी ले लिया, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी वन हो गया, और कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस टू टी हो गया। पहले इतना नोट कर लो, अब मुझे इरेज करना पड़ेगा। सक्षम, क्लियर है यहाँ तक? यस सर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में भी हम साइन टू टी बनता है। हाँ, इसको भी तुम एक काम कर सकते हो, साइन टू टी बाई टू लिख सकते हो,
ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आई है इसको तुम ऐसा कर सकते हो कि x cos t प्लस y sin t माइनस a बाई टू साइन टू टी इक्वल टू जीरो। ओके तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास क्या आ रही है। टेंजेंट इज एक्स कॉस टी प्लस वाई साइन टी माइनस ए बाई टू साइन टू टी इक्वल टू जीरो। नॉर्मल की अगर इक्वेशन देखेंगे तो वो क्या आ रही है एक्स साइन टी माइनस वाई कॉस टी प्लस ए कॉस टू टी इक्वल टू जीरो। ये मैं नीचे से रेस कर देता हूँ। नाउ पहला जो ऑप्शन है ओ टी स्क्वायर, तो ओ टी अगर निकालते हैं तो ओरिजिन से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर निकालेंगे तो जीरो प्लस जीरो माइनस ए बाई टू साइन टू टी अपॉन रूट ओवर कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी विच विल बी वन और इसका मॉड हम लेते थे तो ये फाइनली आ जाएगा ए बाई टू साइन टू टी। वैसे ही अगर हम ओ एन निकालेंगे ओरिजिन से नॉर्मल पे तो जीरो माइनस जीरो प्लस ए कॉस टू टी मॉड अपॉन रूट ओवर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी विच विल बी वन, ये हो जाएगा ए कॉस टू टी। तो ओ टी ये हो गया और ओ एन ये हो गया। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ से फोर ओ टी स्क्वायर की अगर बात करें तो फोर ओ टी स्क्वायर विल बी ये टू मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके और स्क्वायर होकर फोर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टू टी। और ओ एन स्क्वायर अगर लें तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू टी हो जाएगा और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन होगा साइन स्क्वायर टू टी प्लस कॉस स्क्वायर टू टी इज वन। तो यस पहला ऑप्शन तो सही है ठीक है यहाँ तक तो पहुँच गया। ओरिजिन से परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे ना। ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो है तो किसी भी पॉइंट से अगर हम परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन निकालते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती थी मतलब ये होती थी ना कि अगर ये पॉइंट है x1 कॉमा y1 और इक्वेशन ऑफ लाइन है ax एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो तो इसकी लेंथ क्या होती थी ax एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही हमने पढ़ा था ना कोऑर्डिनेट में इलेवेंथ में। yes, sir, yes. यही काम करेंगे यहाँ पे एक्स वन वाई वन जीरो जीरो है और इक्वेशन हमने निकाल ही लिए। गेटिंग इट एवरी वन ऑफ यू? यस सर। लेंथ ऑफ द टेंजेंट अब पूछ रहा है तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करते थे इफ यू रिमेंबर पहले ये नोट कर लो
और उसके बाद लेंथ ऑफ नॉर्मल भी पूछ रहा है. तो इफ यू कंसिडर दैट दिस टेंजेंट इज इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट ए, सपोज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये नॉर्मल जो है किसी पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मतलब क्या हो गया? लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मतलब हो गया ए पी, और लेंथ ऑफ द नॉर्मल का क्या मतलब हो गया? बी पी. तो अब हमें क्या निकालना है? ए पी और बी पी निकालना है और देखना है कि क्या जो दिया हुआ है वो सही दिया हुआ है. अगर है तो फिर दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. इरेज कर दूं ये पोर्शन जो अभी कैलकुलेट किया है. यस सर. So length of the tangent AP is equal to, अगर निकालना है हमें तो एक्स वाई पॉइंट और ए का कोऑर्डिनेट, तो पहले ए का कोऑर्डिनेट निकालते हैं. तो ए का कोऑर्डिनेट के लिए y को हम जीरो पुट करेंगे इन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में y को जीरो पुट करेंगे जहाँ पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है. तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा a, टू टू कैंसिल होगा, साइन t cos t में साइन t बच जाएगा, बस ये आ जाएगा. वैसे अगर हम b निकालना चाहेंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन में एक्स वाई को जीरो पुट करेंगे तो इससे आ जाएगा ए कॉस टू टी बाई साइन टी. ठीक है, तो अब यहां पर माइनस माइनस में आएगा, माइनस ए कॉस टू टी आएगा तो माइनस में आएगा. ठीक है, ठीक है, वाई को जीरो पुट करके हमें मिल गया एक्स का कोऑर्डिनेट. अब AP निकालेंगे तो AP वुड बी x माइनस a sin t का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट. और x क्या है? x इज a sin क्यूब t, a sin क्यूब t माइनस a sin t का स्क्वायर. और y क्या है? ए कॉस क्यूब टी, ये ए स्क्वायर कॉस टू दी पावर 60 हो जाएगा. दिस वुड बिकम इक्वल टू, फिर ए कॉमन निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट लगेगा. और क्या होगा? अब कैलकुलेशन है, साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लोगे और ये बच जाएगा साइन स्क्वायर टी माइनस वन का होल स्क्वायर, तो कॉस टू दी पावर 40 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा कॉस टू दी पावर 60. तो cos to the power 40 को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे तो cos square t बन जाएगा और अंदर में root over sin square t plus cos square t simply 1 हो जाएगा. तो length of the tangent is coming out to be a cos square t और mod तो लगा ही दो, क्योंकि अगर negative आएगा तो mod लगा के positive करना है. तो option B is wrong. ठीक है, option B गलत है. Is it okay Saksha? Another? सर मेरा सही है option. तो यहाँ पर तो सही नहीं आ रहा है. आंसर क्या दिया हुआ है? फॉर्मूला लगा दिए. हाँ वो भी लगा के कर सकते हो, लेकिन उससे भी फिर यही आंसर आएगा. अगर लेंथ ऑफ, इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट का भी फॉर्मूला बता देता हूँ जो हम लोगों ने किया था टेंजेंट एंड नॉर्मल में, उससे भी आएगा यही आंसर. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, नो एक तरह से रिवीजन हो रहा है सारा जो हमने टेंजेंट नॉर्मल में किया है. सर सर और सारे सही है. क्या बोल रहे हो? क्या सही है?
ऑल ऑफ द अबव है। अच्छा तो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने कैलकुलेशन सही किया या नहीं किया। ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में हमने वाई को जीरो पुट किया तो ए बाई टू साइन टू टी हो गया और ए साइन टी हो गया। ठीक है यहाँ पर नॉर्मल में वाई को जीरो पुट किया तो माइनस ए कॉस टू टी बाई साइन टी हो गया यहाँ तक तो ठीक है। एक्स माइनस ए साइन टी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर कर दिया तो एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया ए साइन क्यूब टी। ठीक है यहाँ तक भी सही है और y का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस टू द पावर 60 हो गया। उसके बाद a बाहर निकला और ये हो गया साइन स्क्वायर t और कॉस की पावर 40 प्लस कॉस टू द पावर 60 तो ये हो गया a कॉस स्क्वायर t बाहर निकल गया और साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t 1 आ गया। तो आंसर तो a कॉस स्क्वायर t का मॉड आ रहा है तो गलत आ रहा है। तो सर सर हाँ हाँ सर हमें क्वेश्चन में y इक्वल्स टू a cos 2t दिया था तो एक नंबर हम y को उसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू सर x इक्वल टू sin 2t और y इक्वल टू a cos 2t दिया था ना। हाँ यही तो लिया है हमने। तो सर अगर हम a को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हाँ वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए तुम्हें वो पैरामीटर को एलिमिनेट करना पड़ेगा, वो भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे x इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी है तो इसको ले लो x बाई ए और क्यूब रूट ले लो और इसको लिख लो साइन टी और ये ले लो y बाई ए यहाँ पे क्यूब रूट ले लो ये ले लो कॉस टी और साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है। तो इससे तुम ले सकते हो कि x बाई ए टू दी पावर 2/3 प्लस वाई बाई ए टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। मतलब एक्स टू दी पावर 2/3 प्लस वाई टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू ए टू दी पावर 2/3। इज इट ओके? ऐसे भी कर सकते हो। सेक्शन ये तुम करो लास्ट में a इज इक्वल टू y बाई कॉस क्यूब टी पुट करो। ओके नहीं नहीं वो कैसे पुट करेंगे, y तो जीरो है ना। जो तुम्हारे वाले तरीके से भी निकाल लेते हैं उससे भी यही आंसर आएगा मेरे ख्याल से। आंसर गलत दिया हुआ है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो हुई नहीं है सच। तो तुम्हारे वाले तरीके से भी निकाल लेते हैं, पहले इसको इरेज कर दें, पहले नोट कर लो इसको। इफ यू रिमेम्बर हमने किया था कि अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालनी होती थी तो हम क्या करते थे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे और फिर ये कहते थे कि जो पी पी ए है जिसको वहाँ पे पी टी लेते थे लेकिन यहाँ पे टी तो किसी और को लिया गया है क्वेश्चन में, तो पी ए जो है दैट विल बी और उसके बाद हम क्या करते थे टेंजेंट का स्लोप का टैन थीटा तो ये थीटा होता था। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर कॉसेक थीटा हो जाता था जिसको हम लिखते थे कॉसेक थीटा को फिर लिखते थे हम लोग रूट ओवर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और फिर इसको ले लेते थे वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर। ठीक है मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल, स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी नहीं स्लोप ऑफ द टेंजेंट का रेसिप्रोकल। इससे अगर हम निकालते हैं तो भी यही आंसर आएगा। लेट अस सी, तो दिस इज इक्वल टू वाई एंड वाई का जो कोऑर्डिनेट है वो है ए कॉस क्यूब टी
रूट ओवर वन प्लस डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। तो डी एक्स बाई डी वाई क्या है, अभी हमने थोड़ा देर पहले निकाला था स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज डी वाई बाई डी एक्स, वो आया था माइनस कॉट टी इफ यू रिमेंबर। तो डी एक्स बाई डी वाई विल बी माइनस टेन टी, तो माइनस टेन टी का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर टी हो जाएगा। दिस विल बी ए कॉस क्यूब टी और वन प्लस टेन स्क्वायर टी विल बी सेक स्क्वायर टी, तो सेक टी हो जाएगा। इस पूरे का मॉड ले लो, कॉस टी इंटू सेक टी वन है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए कॉस स्क्वायर टी। ये इससे भी वही आंसर आएगा, इजंट इट सो? यस सर। तो ये ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ना वो सही नहीं दिया हुआ है, दैट इज रॉन्ग ऑप्शन। सर ये बी ऑप्शन में वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ ओ ओ सॉरी, वाई को तो मैंने पुट ही नहीं किया, सॉरी सॉरी। तो वाई को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए कॉस, अच्छा यही तुम बोल रहे थे क्या, ए कॉस क्यूब टी बाई कॉस टी, तो कॉस टी कैंसिल हो जाएगा, हाँ ए कॉस स्क्वायर टी का मॉड, तो ये भी तो वही है। सॉरी सॉरी, मैंने ऑप्शन में वाई को पुट किया नहीं, उसको वैसे ही रहने दिया। हाँ तो सही है, फिर ऑप्शन बी सही है, ये हो जाता है, केयरलेस मिस्टेक हो गया। नाउ इज इट ओके सक्षम? यस सर। हाँ तो दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो तुम फॉर्मूला लगा दो जो हमने टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला पढ़ा था, या फिर तुम डायरेक्ट उस मेथड से करो कि टेंजेंट की इक्वेशन आई है उसका इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, आंसर सेम आ जाएगा। वैसे ही लेंथ ऑफ द नॉर्मल भी निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ द नॉर्मल के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो जो नॉर्मल है वो पीबी है, तो पीबी जो होगा उसकी लेंथ हमें निकालनी है, दिस लेंथ दिस इज पीबी। तो अगर हम यहां पर याद करें अपने आप को, ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस होता है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू बेस बी सेक थीटा। तो दैट मीन्स द फॉर्मूला वॉज पी बी इज इक्वल टू बी वाई कोऑर्डिनेट लेंगे और sec थीटा का मॉड इज रूट ओवर वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, मैं मेंटली उसको डिराइव कर रहा था। डी वाई बाई डी एक्स क्या था, डी वाई बाई डी एक्स अगेन वी हैड cot t, ये हो जाएगा वाई cosec t का मॉड, और ये भी जो है वाई cosec t का मॉड है, ठीक है। तो दिस इज ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, इज इट ओके? यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना, हमने जो थ्योरी की थी टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की, उसी का क्वेश्चन है। Now we come to the last topic of application of derivatives. Doubt मेरा। हाँ किसका doubt है? यशवर्धन, ये तुमने जो भेजा है? सर अनुभव। अनुभव ओके। यशवर्धन ने भी कुछ भेजा है। अनुभव अभी देख लेते हैं तुम्हारा doubt भी। तो पहले चलो अनुभव का doubt देख लेते हैं। ये clear कर रहा हूँ। हाँ बताओ अनुभव क्या doubt है तुम्हारा? तो मेरा limit से है। हाँ बताओ क्या है? Limit as x tending to 0, 1 upon n, so it's a 1 upon x hai. Okay.
नेचुरल लॉग ऑफ ई रेस पावर एक्स प्लस ई रेस पावर टू एक्स प्लस ई रेस पावर थ्री एक्स प्लस अप टू ई रेस पावर एन एक्स अपॉन एन लॉग लॉग के अंदर में अपॉन एन या लॉग अंदर है ठीक है इज इक्वल टू 9 ठीक है फाइंड वैल्यू ऑफ एन ओके तो अगर हम इसको जीरो पुट करेंगे तो ई टू द पावर जीरो प्लस ई टू द पावर जीरो कर करके सारे वन हो जाएंगे द सम एन हो जाएगा और एन बाई एन वन हो जाएगा और लॉग वन जीरो होता है और नीचे भी जीरो सो दिस इज जीरो बाई जीरो फॉर्म तो इतना तो दिख रहा है हमें कि ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है जीरो बाई जीरो फॉर्म है आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन दिस इज जीरो बाई जीरो फॉर्म अगर एक्स को जीरो पुट कर देते हैं तो ये चीज आ रही होगी अब यहाँ पर अगर हम एल एच रूल लगाते हैं तब तो काम बन जाएगा तुरंत एल एच रूल लगा लें क्या तो एल एच रूल के अकॉर्डिंग एल ऑपिटल्स रूल हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन तो वन हो जाएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन विल बी वन ठीक है और न्यूमरेटर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा एन अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर टू एक्स प्लस ई टू द पावर थ्री एक्स सो ऑन ई टू द पावर एन एक्स और चेन रूल लगा के फिर लॉग के अंदर वाला डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस टू ई टू द पावर टू एक्स प्लस थ्री ई टू द पावर थ्री एक्स सो ऑन एन ई टू द पावर एन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू 9 ये एन तो हो गया कैंसिल तो ये हो जा रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड जीरो दिस अपॉन दिस अब लिमिट पुट करते हैं अगर तो लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड जीरो अब जीरो पुट कर देते हैं क्योंकि अब इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो रहा है एक्स को जब जीरो पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा वन प्लस टू प्लस थ्री डॉट 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 एन और नीचे में वन प्लस वन प्लस वन डॉट 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 वन इज इक्वल टू 9 ये सम नीचे ऊपर का एन इंटू एन प्लस वन बाई टू हो रहा है और नीचे का एन हो रहा है दोनों एन कैंसिल हो गए दिस इज इक्वल टू 9 तो इससे एन की जो वैल्यू आएगी 18 माइनस वन 17 इज दिस करेक्ट ओके तो एल एच रूल से आसानी से हो गया ना अब अनुभव का भी क्वेश्चन था नहीं अनुभव का ही शायद क्वेश्चन मैंने बताया और किसका क्वेश्चन था यशवर्धन का यशवर्धन का बता देते हैं पहले इसको नोट कर लो सो यशवर्धन का ये है कि लेट जी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ टू माइनस एक्स ओके एंड एफ डबल डैश एक्स इज जीरो लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जीरो कॉमा टू देन जी एक्स इंक्रीजेज इन ठीक है तो जी एक्स जब पहले एक बार थोड़ा तुम लोग ट्राई कर लो उसके बाद डिस्कस करेंगे तुरंत बता देने से फायदा नहीं होता सारे लोग ट्राई कर लो एक बार
एक चीज मैं बता देता हूँ, उसका यूज कई जगह होता रहता है, कि अगर कॉनकेव ग्राफ होता है, दिस इज कॉनकेव अपवर्ड, दिस इज एक्स एक्सिस, और अगर कॉन्वेक्स ग्राफ होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, तो कैसे हमें पता चलता है? अगर कॉनकेव ग्राफ होगा तो उसका जो डबल डेरिवेटिव होगा दैट विल बी पॉजिटिव, और जो कॉन्वेक्स ग्राफ होता है उसका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। ये एक टेस्ट होता है कॉनकेविटी के लिए और ये टेस्ट होता है कॉन्वेक्सिटी के लिए। क्यों होता है ये हम देख लेंगे बाद में। एक्चुअली एफ डबल डैश एक्स का मतलब क्या हो गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट। तो तुम देख सकते हो कि जब यहां पर टेंजेंट तुम ड्रॉ करते हो कॉनकेव वाले में और जो अगला टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो क्या होता है कि जो स्लोप है वो बढ़ता है, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप इज पॉजिटिव, तो इसीलिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। और डबल डेरिवेटिव यहाँ पे नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप तुम ले रहे हो उस स्लोप की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है जैसे तुम आगे चलते जाते हो। ये यहाँ पर का एंगल है और ये यहाँ पर का एंगल है, तो एंगल कम हो रहा है। तो तुम इस कंडीशन से ये सोच सकते हो कि जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब है बिटवीन जीरो एंड टू दिस इज एक्चुअली कॉन्वेक्स। अब उसका यूज है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये होगा। इज दिस क्लियर, कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो अगर कोई ग्राफ कॉनकेव होता है तो उसका जो डबल डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डबल डेरिवेटिव का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स क्या होता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हमारा बढ़ने लगे तो कॉनकेव ग्राफ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे थीटा था, यहाँ पे अल्फा था, टैन अल्फा इज ग्रेटर देन टैन थीटा, इसका मतलब ये है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है विच इज एफ डैश एक्स इट इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब है कि इसका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नेगेटिव, मतलब रेट एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज चेंज। तो वो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे पहला पॉइंट जो आया था और ये दूसरा पॉइंट आया है, तो पहले पॉइंट पे जो एंगल था वो हमने थीटा लिया था, दूसरे में अल्फा लिया है, यहाँ पर टैन थीटा जो है ग्रेटर देन टैन अल्फा है, मतलब कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो डिक्रीज कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? यस। पहले ट्राई करो फिर अभी डिस्कस करते हैं।
सो लेट अस सी, आई होप अब तक थोड़ा बहुत तुमने ट्राई कर लिया होगा, सो दैट व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू विल गेट मोर क्लैरिटी. तो एफ जी एक्स इंक्रीजेज इन, तो जी एक्स अगर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब है कि जी डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टेस्ट के हिसाब से. जी डैश एक्स जब हम इसका निकालेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा टू इंटू एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू और चेन रूल से वन बाई टू, क्योंकि एक्स बाई टू को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ मिलेगा, और इसका डिफरेंशिएशन होगा एफ डैश ऑफ टू माइनस एक्स, और फिर टू माइनस एक्स को करेंगे तो माइनस वन मिलेगा. So this should be greater than 0. This 2 cancel and we get f dash of x by 2 minus f dash of 2 minus x greater than 0. ठीक है, ये कब होगा? तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको एक फंक्शन मान लेते हैं h. Let us call that this function is hx, which is actually f dash of x by 2 minus f dash of 2 minus x. This is hx function. और हमारा जो देख है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0, 2 डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव ऑफ एफ. अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको फिर से, तो ये हो जाएगा 1 बाई टू एफ डबल डैश ऑफ एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एफ डबल डैश ऑफ 2 माइनस एक्स, ये आएगा. अब अगर हम देखें ये हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए, दिस इज ग्रेटर देन जीरो चाहिए. तो अब अगर हम लोग देखें कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ इज नेगेटिव इन इंटरवल 0, 2, तो अगर हम एक्स को 0, 2 ले रहे हैं तो इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है, टू माइनस एक्स इज एक्चुअली ग्रेटर देन जीरो, ठीक है. अगर एक्स को जीरो और टू के बीच में ले रहे हैं तो टू माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, राइट. और एक्स बाई टू इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो बिटवीन 0 to 2. अच्छा अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी एक गलती हो गई, एक गलती ये हो गई कि एच एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, एच डबल डैश एक्स क्या है ये हमें नहीं पता है. ये जो है हमारे पास एच एक्स विच इज एक्चुअली This is greater than zero, क्योंकि ये greater than zero हमारे लिए दिया हुआ है. तो h dash x जब निकालेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि h dash x निकालने की ज़रूरत है नहीं, we need not find h dash x, बल्कि ये काम कर सकते हैं कि f double dash x अगर negative है between x belonging to 0, 2, तो हम इस दोनों को कंपेयर अगर करते हैं तो दिस इज अ कॉन्वेक्स ग्राफ बिटवीन 0, 2. तो इसका मतलब है कि इसका जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश, दिस इज एफ डबल डैश एक्स विच इज लेस देन 0, इसका डेरिवेटिव जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, राइट. ये सभी हमने एग्जांपल वो जो थ्योरी इसकी देखी थी उसमें भी समझा था कि एफ डैश एक्स विल बी डिक्रीजिंग, डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कम हो रहा है, तभी एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है. अब इसके बाद एफ डैश एक्स अगर डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब है कि
x by 2 और 2 minus x दो different inputs हैं, अगर इनको मैं compare करता हूँ तो f dash of x by 2 अगर हमें चाहिए greater than f dash of 2 minus x, according to this f dash of x by 2 should be greater than f dash of 2 minus x. Now this f dash is a decreasing function, तो इसका मतलब ये हुआ कि x by 2 is less than 2 minus x. इसका मतलब ये हो गया कि इसको x को इधर ले जाएंगे तो 3x by 2 is less than 2, जिससे हमें मिलेगा x is less than 4 by 3, correct. So finally what we can say that gx increases in, जहाँ पे hx positive हो रहा है वहाँ पे gx increase कर रहा है, and it increases in x belonging to 0, 4 by 3. एक बार आंसर चेक कर लेना यशवर्धन. यस सर. इसमें बड़ा टेक्निकली स्ट्रांग होना होगा इसको करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हैं. एक बार अच्छे से देख लो इसको, आई होप समझ में आ जाएगा. देखो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ इसे. जी एक्स इंक्रीजेस, इसका मतलब ये हो गया कि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है. इसका डेरिवेटिव हमने यहाँ से निकाल लिया, उसके बाद इस डेरिवेटिव को पॉजिटिव होने के लिए इसको एक मैंने फंक्शन एच एक्स मान लिया, वैसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने मान लिया, और ये पॉजिटिव होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव कब होगा, जब ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी होगी. ये यहाँ पे किया. अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जो एफ डबल डैश एक्स है वो निगेटिव है, मतलब एफ डैश एक्स जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, टेंजेंट का स्लोप डिक्रीजिंग होगा उसका. तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है कि इफ एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन देन एफ ऑफ एक्स टू इज एक्चुअली लेस देन एफ ऑफ एक्स वन. इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है डिक्रीजिंग के लिए. तो जब हम यहाँ पर ग्रेटर दे रहे हैं और जब फंक्शन हटाएंगे तो लेस देन हो जाएगा, इनपुट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो फाइनली ये आ जाएगा. सर तो वो 0, 2, 4 by 3 x 4 by 3 से छोटा है और हम जिस इंटरवल पे सर्च कर रहे हैं वो 0, 2 है, तो 0 से लेके 4 by 3 वाला इंटरवल हो जाएगा. यस सर. सक्षम, ये क्या पूछ रहे हो तुम? फॉर अ कर्व लेंथ ऑफ नॉर्मल टू द पावर 2 होगा है ना, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द पावर 2 इज इक्वल टू. चेक कर लेते हैं इसको. सक्षम का एक क्वेश्चन है, तो आज थोड़ा हम लोग डाउट्स ही ज्यादा देख रहे हैं तो आज थोड़ा टॉपिक हो नहीं पाएगा, तो डाउट ही देख लेते हैं. तो बेसिकली अगर हम ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है सेक्शन, इसका ये है कि लेंथ ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर बाय लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर is equal to क्या होना चाहिए for any curve for y is equal to fx. try करो फिर इसको भी discuss करते हैं.
लेंथ ऑफ नॉर्मल का क्या था फॉर्मूला इफ यू रिमेम्बर? ऑप्शन भी दिया सेक्शन में, ओके ऑप्शन आर सब नॉर्मल बाय सब टेंजेंट, ऑप्शन बी इज सब टेंजेंट बाय सब नॉर्मल, सी इज टेंजेंट बाय नॉर्मल एंड डी इज कॉन्स्टेंट। एक बार ट्राई कर लो फिर डिस्कस करते हैं। ये पूछ रहा है ना, और सबका फॉर्मूला याद है ना क्या था, ये सब याद रख लेना। ये हम थीटा लेते थे, डी वाई बाई डी एक्स टैन थीटा होता था, और उसके बाद हम लोग जब पी टी निकालते थे तो पी टी वॉज एक्चुअली साइन थीटा इज इक्वल टू पी एम बाई पी टी, तो पी टी इज इक्वल टू पी एम विच इज वाई बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा हो गया रूट ओवर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज डी एक्स बाई डी वाई का होल स्क्वायर। ये अभी हमने किया भी था थोड़ा देर पहले। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर लेते हैं, लेंथ ऑफ, हाँ ये था लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल लेते हैं, ये थीटा हो रहा था, cos theta is base by hypotenuse, तो बेस sec theta हो जाएगा, तो y root over 1 plus dy by dx का whole square हो गया, और sub tangent और sub normal क्या होता था tm, this is the sub tangent, तो cos theta is equal to base by hypotenuse, base tan theta लेते हैं, tan theta is equal to perpendicular by base, तो base is perpendicular cot theta, मतलब y dx by dy, और अगर हम mn लेते हैं तो उसके लिए tan theta perpendicular by base करते थे, तो y dy by dx ये हो जाएगा। ये सारी चीज है, अब देखो क्या आता है, ट्राई करो एक बार। अच्छा सक्षम ने कहा उसका अब आ गया है, आई होप बाकी लोग भी कर लोगे, तो प्लीज ट्राई इट। तो पी एन का स्क्वायर बाई पी टी का स्क्वायर, पी टी यह है पी एन ये है, तो वट यू विल गेट इज एक्चुअली पी एन स्क्वायर अगर करोगे तो वाई स्क्वायर
ये एलसीएम ले लो, डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और पी टी करोगे तो वाई स्क्वायर, रूट तो हट जाएगा स्क्वायर करने पे, रूट विल वैनिश। यहाँ पर करेंगे तो डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी वाई स्क्वायर, ये होगा। तो जो टर्म्स कैंसिल होने हैं वो तो पहले हम लोग कर ही देते हैं कैंसिल, दिस विल कैंसिल विद दिस, दिस विल कैंसिल विद दिस, तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग दिस रेशियो एज। और डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, बाकी सब से कंपेयर करते हैं, सब नॉर्मल बाई सब टेंजेंट अगर करते हैं तो दिस इज योर सब नॉर्मल एंड दिस इज योर सब टेंजेंट। तो वाई कैंसिल हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे डी एक्स बाई डी वाई हो, यही होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। बाकी चेक कर सकते हो, बाकी नहीं आएगा, ये ऑप्शन, इजंट इट सो? यस सर। हाँ सक्षम, और पूछना चाहते हो तो पूछ लो, क्योंकि अब तो 15-20 मिनट टाइम रह गया है, तो इसमें डाउट्स ही देख लेते हैं, टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डाउट नहीं देखेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में अगर कोई डाउट रहता भी है तो नेक्स्ट क्लास में मत पूछना, उसके बाद वाली क्लास में पूछना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर देंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा रह गया है उसको कंप्लीट कर देंगे, अभी पूछ सकते हो। Okay, this is the question which Saksham is asking. So the next question of the day is, find the angle of intersection of the curves of the curves y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by. First try, every one of you.
सो इफ यू सी हियर एक राइट ओपन पैराबोला होगा इफ ए इज पॉजिटिव और एक अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा इफ बी इज पॉजिटिव तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है एक तो यहां पे हो रहा है और एक ओरिजिन पे हो रहा है तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स दिस एंड दिस तो पी वाला निकालना है ओ वाले में तो 90 डिग्री है यहां पर जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज 90 डिग्री पी वाला क्या है तो उसके लिए हम क्या करते थे कि दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालते थे एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by और x को रिप्लेस कर सकते हैं यहां से दोनों को सॉल्व कर रहे हैं ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो वाई स्क्वायर बाई 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4by तो ये हो जाएगा y क्यूब एक y कैंसिल हो जाएगा इधर हो जाएगा 64a² b राइट जिससे हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 4a^2/3 b^2/3 और अगर x निकालेंगे correspondingly तो किसी में भी पुट करते हैं जैसे इसमें x की वैल्यू y^2/4a अगर पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा y^2/4a 4 हो जाएगा ये हो जाएगा a^1/3 ये हो जाएगा b^2/3 ठीक है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट पॉइंट P दैट इज एक्चुअली 4a^1/3 b^2/3 कॉमा 4a^2/3 b^1/3 तो अब अगर हम यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल निकालते हैं तो स्लोप एक तो निकालना पड़ेगा तो इसका जो स्लोप आएगा dy/dx y डैश जो होगा वो होगा 2x/4b तो x/2b हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये आ जाएगा थोड़ा सा मेंटली कर लेते हैं सब कुछ कितना लिखे तो y डैश इज x/2b और यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 2y y' is equal to 4a हो जाएगा तो y' will be 2a/y और y जो है वो root over 4ax है तो 2a/√4ax इसको हम लिख सकते हैं 2 कैंसिल हो जाएगा 4 रूट से और √a/x ले सकते हैं तो दीज आर द slope of the tangent to the two curves at any point x comma y तो इस particular point पे अगर हम निकालें तो y1 dash जो है इसको कह सकते हैं कि this is curve number 1 और इसको हम कह सकते हैं कि this is curve number 2 तो y1 dash जो है वो है x/2b और x की value हम यहां से अगर put करते हैं तो ये आ जाएगा 2a^1/3 b^-1 और अगर y2 dash निकालते हैं which is root over a/x और x की वैल्यू लेते हैं 4a^1/3 b^2/3 तो root over a/4a^1/3 b^2/3 so this would become a^2/3 which will become 1/3 and b^-1/3 and this will become 1/2 calculation वगैरह समझ लेना अपने से तो ये दोनों point दोनों tangent का slope है at their point of intersection तो finally अब दोनों के बीच का angle निकालना है तो angle कैसे निकलता था you remember I hope tan theta is equal to m1 - m2 / 1 + m1 m2 तो m1 जो हो गया वो हो गया 2a^1/3 b^-1/3 माइनस m2 जो हो गया 1/2 a^1/3 b^-1/3
by 1 minus m1 plus m2 करेंगे तो 2a to the power 1 by 3 b to the power minus 1 by 3 into 1 by 2 a to the power 1 by 3 b to the power minus 1. So this would become equal to, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 4 minus 1 3 by 2 a to the power 1 by 3 b to the power minus 1 by 3 और नीचे में 1 plus 2 2 कैंसिल होगा, a की पावर 2 by 3 b की पावर minus 2 by 3. अब इसको किस तरीके से इसने लिखा है आंसर तो अब इसी को लिख दिया होगा या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा होगा, तो एक बार चेक कर लो आंसर कैसे दिया हुआ है. दिस इज tan थीटा, ये अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये आ जाएगा इसके बाद. दिस इज इक्वल टू 3 एलसीएम नीचे में b की पावर 2 बाई 3 प्लस a की पावर 2 बाई 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा a की पावर 1 बाई 3 b की पावर 1 बाई 3 2 यहाँ चलाएगा. दिस विल बी आई थिंक ये सिंप्लीफाइड आंसर ऐसे दिया होगा. यस सर. ठीक है, तो नीचे में जो b की पावर माइनस 2 बाई 3 है उसको मैंने डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कर दिया, फिर एलसीएम लिया, फिर उसको ऊपर ले गया और उसके बाद ये आ गया. आई होप ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है ना सबको. यस. इज दिस क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? Only Abhinav, Afan, Saksham and Yashwardhan are present. Two have left. Afan, you were not in the last class, na? Yes, sir. No, sir. Okay. ओके, और कोई डाउट है तो पूछ लो. नाउ द टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर. और कुछ पूछना है किसी को?